जीता राम मांझी जी तो हर तरह से सक्षम है। जो व्यक्ति 91 लाख रुपया सर्वाधिक राशि क्षेत्र में पैसा खर्च कर सकते हैं तो फिर वो जनरल चुनाव, जनरल सीट से चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं? फूट डालो राज करो। तो उसी तरह से एनडीए का नीति है, एनडीए का नीति है कि पहले दलित एकता को आप तोड़िए। पहले दलित एकता को तोड़ने के लिए कोटे में कोटे की बात है। तो जीताराम मांझी जो है दलित विरोधी नेता है और वो नहीं चाहते हैं कि दलित वर्ग जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं उनको संपूर्ण अधिकार मिले। आदरणीय सम्माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दलितों का लीडर रह चुके हैं और दलितों की लड़ाई भी लड़े और आज एनडीए की सरकार में उनकी नेम प्लेट से इस तरह का जो गटर ढकने का काम कर रहे हैं इससे हम लोगों को दलितों की स्वाभिमान पर, दलितों की स्वाभिमान पर ये ठेस पहुंच रहा है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। कि लोकसभा चुनाव में काराकाट से सांसद राजाराम सिंह कुशवाहा सबसे कम खर्च महज 34,600 रुपये खर्च करके रिकॉर्ड बनाए हैं चुनाव जीतने का, तो वहीं दूसरी तरफ हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी जो कि गया से चुनाव जीते हैं वो सबसे अधिक खर्च यानी 91,66,000 रुपये जो है खर्च किए हैं लोकसभा चुनाव में और चुनाव जीते हैं। तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम है। कैसे देखते हैं जीतन राम मांझी सबसे अधिक खर्च किए हैं? देखिए, मैं इस बात को कहूँगा कि महागठबंधन की सरकार जो है, गरीबों महागठबंधन की जो पार्टी है वो गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, मजदूरों का पार्टी है, दलितों का पार्टी है, अल्पसंख्यकों का पार्टी है। लेकिन उसके ठीक दूसरे तरफ देखिएगा कि जो एनडीए की जो पार्टी है और एनडीए की पार्टी जो है कॉरपोरेट घराना की पार्टी है, वो जितने जो ये पार्टी के लोग हैं और उनके जो सदस्य हो, चाहे जीतन राम मांझी हो या अन्य लोग हो, वो कंपनियों के पैसे पर, कंपनियों के राशि पर ये लोग पैसा को पानी के तरह बहवा करके क्षेत्र में चुनाव जीतने का काम किए। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सबसे अधिक पैसा है, लगभग 91,66,000 से भी अधिक राशि खर्चा करके जीतन राम मांझी चुनाव जीतते हैं और दूसरी तरफ बोलते हैं कि तो हम यही कहेंगे कि जीतन राम मांझी जी तो हर तरह से सक्षम है। जो व्यक्ति 91 लाख रुपया सर्वाधिक राशि क्षेत्र में पैसा खर्च कर सकते हैं तो फिर वो जनरल चुनाव, जनरल सीट से चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं? वो बोलते हैं कि दलितों को दो भाग करें, कोटे के अंदर कोटे की बात करते हैं। तो उनको इस बात को समझ लेना चाहिए कि एक तरह से ये अंग्रेजों का जो नीति जो पहले रहता था कि फूट डालो राज करो, तो उसी तरह से एनडीए का नीति है, एनडीए का नीति है कि पहले दलित एकता को आप तोड़िए। पहले दलित एकता को तोड़ने के लिए कोटे में कोटे की बात है और कोटे में कोटे करके दो भाग में दलित भाइयों को विभाजन करके फिर आगे चल के रणनीति षड्यंत्र यही है कि हमारी आरक्षण को पूरी तरह से खत्म कर देना। तो जीतन राम मांझी जो है दलित विरोधी नेता है और वो नहीं चाहते हैं कि दलित वर्ग जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं उनको संपूर्ण अधिकार मिले। लेकिन दलितों के लिए भी तो वो आवाज़ उठाते हैं। बीते दिन भी उनका बयान आया कि बिहार में जो शराबबंदी है उससे सबसे ज़्यादा जो प्रताड़ित हो रहे हैं, सबसे अधिक अगर समस्या किसी को हो रही तो वो गरीब दलित लोगों को हो रही है। तो उसी सरकार में न है, यहाँ अभी बिहार में राज्य में एनडीए की सरकार है और जब एनडीए की सरकार में वो एनडीए का हिस्सेदार है, तो जब वो एनडीए के हिस्सेदार है और उनकी बात को नहीं मान रही है यहाँ की बिहार की सरकार, तो क्यों नहीं वो एनडीए से समर्थन वापस लेकर के और दलितों की हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। दलितों की हित की लड़ाई वहाँ भी केंद्र में लड़ते हैं, तो दलितों की हित की लड़ाई तभी न आप लड़ पाइएगा संपूर्ण रूप से
जब दलितों के लिए रोड पर उतरिएगा, दलितों के अधिकार के लिए रोड पर उतरिएगा, दोनों तरफ मजा चाहिए। एक सवाल रहेगा चिराग पासवान को लेकर के। चिराग पासवान ने ट्वीट किया है, उनके पिता जो है स्वर्गीय रामविलास पासवान है, और उनके नेम प्लेट से नाली के जो गटर होते हैं उसको ढकने का काम किया जा रहा है, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए आदरणीय सम्माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दलितों का लीडर रह चुके हैं और दलितों की लड़ाई भी लड़े, और आज एनडीए की सरकार में उनकी नेम प्लेट से इस तरह का जो गटर ढकने का काम कर रहे हैं, इससे हम लोगों को दलितों की स्वाभिमान पर, दलितों की स्वाभिमान पर ये ठेस पहुंच रहा है। हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि जो भी इस तरह की कार्रवाई किए हों उस पर जो है ना जांच पड़ताल करके उनको जेल डालने का काम करें। ये हमारे लिए गलत है। ये जो हमारे नेता जो हैं, हमारे दलित के नेता हैं, वो हम लोग उनको आदर सम्मान करते थे, वो उनका जो है नेम प्लेट लगा करके नेम प्लेट से गटर को ढका जा रहा है, ये शोभनीय नहीं है। इस पर सरकार को एक टीम बना करके वो जांच करा करके कार्रवाई सीधे करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत करते पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम जी ने साफ साफ कहा है कि जिस प्रकार से स्वर्गीय रामविलास पासवान के नेम प्लेट से गटर को ढाका जा रहा है, इससे पूरे दलित समाज का अपमान हुआ, हमारे नेता का अपमान हुआ है, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ जिस प्रकार से जीतन राम मांझी को लेकर के हमने सवाल किया कि सबसे अधिक लोकसभा चुनाव में जो खर्च किए हैं वो जीतन राम मांझी ने खर्च किए और चुनाव जीते हैं, तो वहीं सबसे कम खर्च करने वाले राजाराम सिंह कुशवाहा हैं, जो महज 34,600 रुपये खर्च करके चुनाव जीते हैं, जो कि एक मुखिया का जो चुनाव होता है उसमें भी इससे कहीं ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन सबसे कम खर्च करके रिकॉर्ड बनाया है। जीतन राम मांझी को लेकर के, चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ कह रहे थे पूर्व मंत्री सुंदरम, आप भी सुन रहे थे, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।